अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मुस्लिम बादशाहों ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? क्या मुस्लिम बादशाह आक्रांता थे, वो बाहर से आए हुए थे? लिहाजा आज हम आपको कुछ तारीख के हकाइक दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे बेलगाम शहर और अतराफ में मुस्लिम बादशाहों का क्या तसल्लुत रहा, उनका क्या किरदार रहा, क्या योगदान रहा, और न सिर्फ बेलगाम शहर और अतराफ बल्कि पूरी रियासत में किस कदर मुसलमानों का तसल्लुत रहा और उन्होंने अपना योगदान दिया, इस पर हम तस्करा करेंगे। पूरी रियासत के मुख्तलिफ शहरों का, मुख्तलिफ तारीखी मकामात का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। हम शुरुआत करते हैं बेलगाम शहर से। बेलगाम शहर के कई तारीखी मकामात, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है? क्या आपको मालूम है कि बेलगाम शहर को आज़म नगर भी कहा जाता था, मुर्तज़ाबाद भी कहा गया, फिर यहाँ पर जो है कांग्रेस का अधिवेशन भी किया गया। बेलगाम में एक तारीखी जेल है जो 100 साल पूरे कर रहा है। तो इस तरह के कई तारीखी मकामात हैं बेलगाम शहर में है, और इन्हीं तारीखी मकामात को हम आपके सामने लेकर आने वाले। शहर के नामों को बदलने से तारीख नहीं बदली जाती। आज मुख्तलिफ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, तारीखी मकामात के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन तारीख के औराक बदले नहीं जाते। हम आपको हर हफ्ते कुछ तारीखी हकाइक लेकर आएंगे। बहमनी सल्तनत, रट्टा हुकूमत, यहाँ पर आदिलशाही हुकूमत रही, शिवाजी महाराज का भी रहा, संभाजी महाराज को यहाँ पर कैद भी किया गया था, महात्मा गांधी को भी यहाँ पर कैद करके रखा गया था। इस तरह के कई तारीखी वाकयात आपके सामने हम हर हफ्ता लेकर आएंगे।